आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोबाल्ट एंड Na2Cl2.5NH3। कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोबाल्ट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है हमेशा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं CO NH3 5। एक बार हमारे पास दो आयन है इसका, एक बार Na2 को अंदर ले लीजिए, Cl2 बाहर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, इसने गाइड शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन दिखाते हैं? जो हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं मतलब जो एक लोन पेयर डोनेटर हो, मोनोडेंटेट लिगेंड, जो हमारे पास जिसके पास टू डोनर साइट्स बट वन टाइम binds with only one site of its, एक अपनी एक ही साइड से कनेक्ट करता है सेंट्रल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम से। तो ये देखिए Na2 जो हमारे पास एक एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसके दो दोनों एक साइड, एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो किसी भी साइड से बाइंड कर सकता है एक टाइम पे, लेकिन दोनों से एक टाइम पे बाइंड नहीं करेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही से, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिर इट शोज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, वो डिफरेंट आयंस है सॉल्यूशन में। अगर इसको देखें तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो एक तो मिलेगा हमें CONH3 5 NO2, ठीक है, 2 positive plus 2 Cl negative। यहाँ तो 2 Cl negative मिले, और जब एक NO2 को Cl से रिप्लेस कर दूं मैं, CONH3 5 NO2 Cl NO2 Cl, जब ये डिसोसिएट होगा तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन देगा CONH3 5 Cl2 plus NO2 negative और plus Cl negative, तो इसमें NO2 आयन मिल रहा है और Cl, दोनों में अलग अलग डिफरेंट आयन मिल रहे हैं, तो आयनाइजेशन में दिखाएगा। इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं जो हमारे पास बॉन्डिंग में n-1d ऑर्बिटल को यूज करे, ठीक है। अब देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2, प्लस 3 में जाएगा तो 3d6, और हमें पता है जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है जब कोबाल्ट प्लस 3 में हो, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, सारी पेयरिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, 2d ऑर्बिटल वैकेंट है 3d के, एक 4s और ये 4p, तो जो NH3 अपने पांच लोन पे डोनेट करेगा, एक 4s, दो 4s में, सॉरी दो 3d में, एक 4s में और 3 4p में, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी d2sp3, मतलब n-1d ऑर्बिटल यूज किया इसने, क्योंकि n यहाँ था हमारे पास 4 और n-1d 3 हो गया, तो 3d ऑर्बिटल यूज किया, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इट इज डायमैग्नेटिक, अगर देखे तो डायमैग्नेटिक वो होते हैं, डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए स्पीसीज में, तो यहाँ देखे तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक स्पीसीज भी होती है, तो डायमैग्नेटिक भी है। इसके चार ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो, A B C D ऑप्शन आर करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।